कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड में सीबीआई के हाथ लगा अहम सुराग। अस्पताल के सीसीटीवी में नजर आया आरोपी संजय रॉय, घटनास्थल की ओर जाता दिखा। आरोपी के फोन से मिले अश्लील वीडियोज भी। डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या केस में इंसाफ और सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर में गुस्सा। बेंगलुरु में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया जोरदार प्रदर्शन। रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय का आज होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। सीएफएसएल की टीम आरोपी का करेगी ये टेस्ट। बंगाल के गवर्नर दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर से करेंगे मुलाकात, गृहमंत्री को देंगे पूरी रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर चाकूबाजी मामले में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, मकान का अवैध हिस्सा जमींदोज। चाकूबाजी के बाद का वीडियो आया सामने, सीसीटीवी में स्कूटी से भागता दिखाई दिया आरोपी। उदयपुर में हुए हमले में जख्मी बच्चे की हालत स्थिर, बच्चे का ऑपरेशन पूरी तरह से सफल। जयपुर में हत्या से सनसनी, बाइक और ई रिक्शा की टक्कर के बाद हुई थी मारपीट, गुस्साए लोगों ने की नारेबाजी। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा बोले आरोपियों पर होगा बुलडोजर एक्शन। पुलिस भर्ती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, कहा पुलिस में 60,000 से ज्यादा नौजवानों की होगी भर्ती, 20% सीट बेटियों के लिए होगी आरक्षित। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह के नेतृत्व में बैठक हुई, पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन मजबूत करने पर मंथन। बैठक में बोले शाह, अगले 35 साल तक सत्ता में रहेगी बीजेपी। झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावत के आसार, पूर्व सीएम चंपई सोरेन छोड़ सकते हैं पार्टी, बीजेपी में जाने के संकेत। मीडिया के सवालों पर चंपई ने साधी चुप्पी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ चलेगा भ्रष्टाचार का केस, राज्यपाल ने दी मंजूरी। जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट से 4,000 करोड़ के घोटाले का है आरोप। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शरिया कानून लाने की तैयारी, कट्टरपंथी नेता रब्बानी का बयान, देश में इस्लामी निजाम करेंगे लागू, लड़कियों को पहनना होगा हिजाब। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी, कट्टरपंथी हिंदुओं से खुलेआम मांग रहे फिरौती, सुरक्षा के लिए मांगी जा रही है प्रोटेक्शन मनी, पैसा ना देने पर जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज कांड के आरोपी नवाब यादव की बढ़ी मुश्किलें, जिला कोर्ट से नवाब की याचिका हुई खारिज, कोर्ट ने पुलिस को रेप की धारा बढ़ाने का दिया आदेश, 14 दिन की रिमांड में भेजा गया आरोपी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता आर के चौधरी, कहा सपा सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की कर रही तैयारी। बिहार की सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बयान आया सामने, कहा 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा। मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप, करहल में जमीन पर कब्जे को लेकर लोकसभा में इस मामले को उठाने का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री जुल्फिकार अली आज बीजेपी में होंगे शामिल, कल अमित शाह से की थी इन्होंने मुलाकात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बुलाई बैठक, शिक्षक भर्ती मामले को लेकर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर, विकास कार्यों का शिलान्यास और करेंगे शुभारंभ भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कुवैत दौरे पर रहेंगे, कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यहा से भी करेंगे मुलाकात। मध्यप्रदेश के राजगढ़ में नायब तहसीलदार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश का मामला है सामने, रेत माफिया ने फोन पर दी धमकी। नायब तहसीलदार और पुलिस ने ट्रैक्टर का कई किलोमीटर तक किया था पीछा, रेत माफिया पर पुलिस कर रही है कड़ी कार्रवाई। भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर राणा, अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, 26/11 मुंबई हमले की फंडिंग का आरोपी है तहव्वुर राणा। महाराष्ट्र के मुंबई में सुसाइड करने जा रही महिला को कैब ड्राइवर और पुलिस ने बचाया, अटल सेतु से कूदी महिला, कैब ड्राइवर ने फुर्ती दिखाकर बचाया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के मुजफ्फरनगर में ठेकेदारों की पिटाई का मामला आया सामने, किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने की जमकर मारपीट। यूपी के बरेली में दो मंचलों ने नाबालिग से की छेड़छाड़, तमंचे की नोक पर छात्रा को डराने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध तमंचा भी बरामद। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ, एसीबी ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। यूपी के महोबा में युवक को घर बुलाकर पिटाई का मामला आया सामने, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, पीड़ित ने पुलिस से की मदद की अपील। यूपी के मथुरा में आरोपी के परिजनों ने अस्पताल में किया जोरदार हंगामा, पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी थी गोली। यूपी के मुजफ्फरनगर में लाखों की चोरी से मचा हड़कंप, लाखों की नकदी के साथ 20 लाख के जेवर चोरी हुए।
यूपी के सीतापुर में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला है सामने। रिक्शा चालक ने युवती को जमकर पीटा। यूपी के सहारनपुर में चेन स्नैचर को पुलिस ने धर दबोचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में अज्ञात लोगों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सोनभद्र में एक बेटे ने अपनी मां की हथौड़ा मारकर की हत्या। हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में खेत की पैमाइश को लेकर हुए विवाद में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूपी के लखीमपुर में चोरियों का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ आरोपी को धर दबोचा। यूपी के रायबरेली में युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन लगातार जारी। यूपी के एटा में सड़क किनारे संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। यूपी के रायबरेली में एबीवीपी का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में हुए रेप और मर्डर कांड को लेकर किया गया यह प्रदर्शन। नासिक में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद हालात सामान्य। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। मुंबई के विरार में लोकल ट्रेन में टीसी और यात्रियों के बीच हुई मारपीट। तीन यात्रियों ने मिलकर टीसी की जबरदस्त पिटाई की। यूपी के मैनपुरी में मासूम बच्चे का तमंचे के साथ खेलने का वीडियो आया सामने। वायरल फोटो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। अवैध तमंचा भी इसके पास से बरामद। यूपी के झांसी में कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। स्कूली बस में सवार कई बच्चे हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 11वीं मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत का मामला है सामने। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में भेजा पोस्टमार्टम के लिए। यूपी के बुलंदशहर में लेंटर का प्लास्टर गिरा। मासूम बच्ची की मौत। हादसे में 5 लोग भी जख्मी हुए। यूपी के एटा में कार और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 मासूम समेत दंपति जख्मी हो गए। पेरिस से भारत लौटने पर विनेश फोगाट का भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट पर। विनेश के वेलकम के लिए उमड़ा समर्थकों का भारी सैलाब। रोड शो के दौरान भावुक हुई विनेश फोगाट। बिहार में नहीं रुक रही पुल गिरने की घटनाएं। भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल तीसरी बार गिर गया। 11 साल से 1700 करोड़ की लागत से इस पुल का किया जा रहा है निर्माण। बलिया में घाघरा नदी उफान पर कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने। पुलिस ने आरोपी के घर की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के महोबा में दुकान वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। मेले में दुकानों के आवंटन में रिश्वत लेने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद सड़क पर उतरी बहुजन समाज पार्टी। दलित छात्रा के साथ न्याय की उठाई मांग।